प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी नेताओं की परतें अब एक एक करके खुलने लगी है। ऐसा ही एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने भाजपा नेताओं की पोल खोलकर रख दी। बता दें, झज्जर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस रिकॉर्डिंग में बीजेपी के जिला अध्यक्ष पर बीजेपी के बजाय दीपेंद्र हुड्डा को वोट देने की अपील करने का आरोप लगा है। इस वायरल कॉल रिकॉर्डिंग में बीजेपी जिला अध्यक्ष के अलावा पार्टी के कई अन्य लोगों पर भी भाजपा की बजाय कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष में वोट देने की अपील करने के आरोप लगे। इस कॉल रिकॉर्डिंग में भाजपा की दो महिला कार्यकर्ता प्रदेश में हुई वोटिंग को लेकर आपस में फोन पर बात करती सुनाई दे रही है। रिकॉर्डिंग के अनुसार बीजेपी जिला अध्यक्ष व पार्टी के कई बड़े पदाधिकारियों ने फोन करके बीजेपी की बजाय दीपेंद्र हुड्डा, जो कि कांग्रेस उम्मीदवार हैं, उन्हें वोट देने की बात कही है। इस कॉल रिकॉर्डिंग में अनिल दलाल सहित विजेंद्र दलाल का नाम खुलकर सामने आया है। कॉल रिकॉर्डिंग के वायरल होने के बाद जिले में इस बात की चर्चा जोरों पर है, तो वहीं इसके बाद धीरे धीरे इससे जुड़ी कई और परतें खुलने की भी उम्मीद है। बता रहे, एक के बाद एक इससे जुड़ी कॉल रिकॉर्डिंग सामने आ रही है। इतना ही नहीं, वायरल हो रही इस कॉल रिकॉर्डिंग में कांग्रेस से पैसे खाने तक के आरोप लगे हैं। हेलो हेलो, कोई साथ बैठा हुआ है? ना ना ना। अच्छा, मैं ये पूछ रही, किसको दोगे वोट? भाई मैं तो बीजेपी को दूंगी। आप बताओ। नहीं नहीं, आपका कहना मान लेंगे। मैं तो दीपेंद्र को दूंगी। नहीं सही बता रहे, दीपेंद्र को। हाँ, दीपेंद्र को दूंगी। चलो, हमने तो सबने मन बना लिया यहाँ पे। अच्छा, हाँ सबने। सही कह रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है। देखो, नहीं आप कहोगे तो भाई, देखो जो कोई सेवा पानी आपकी करी होगी, मेरी भी कर देंगे, इसमें क्या। देखो, किसी ने किसी की सेवा पानी नहीं करी, कोई किसी के घर में बोरिया नहीं डाल के जाता है ना। ये एक अंदर से मन की आवाज है, और कुछ नहीं है। अच्छा है, बताऊ क्यों? हाँ, मेरे पास फोन आते हैं बार बार, मैं क्या करूँ? कईयों की आ रही, अपने आदमियों की, बाहर की तो छोड़ो। है किसका आया था? बता भी दूंगी तो तू फैला देगी सब जगह। आप भी याद करो कभी, आप ये बताओ, सच्ची बताना, अपने मन से। अपने सही बता, बात बहुत सीक्रेट है यार। नहीं नहीं, सच बताना आप, परमात्मा कसम, कभी भी मैं नहीं आना। कई कई जने हैं जो पता नहीं उनके काम नहीं बने या क्या हुआ, समझ। फिर भी अपने अनिल दलाल का तो आया था मेरे पास बस। हाँ, अनिल दलाल का आया था। और कहता, बहन जी गलती से मत करना। मैंने कहा नहीं भाई, गलती की बात नहीं है, तुम्हारी अपनी, तुमने तो भी पार्टी छोड़ दी है ना। अपने भी तो कर रहे हैं। किस अपने भी? विजेंद्र दलाल ने कहा ना। हाँ, विजेंद्र क्या कह रहा था? विजेंद्र दलाल खुद ही कांग्रेसी है पहले से। फिर बताओ। हाँ, तो उसकी बात हम मानेंगे? सुनो, है तो मैंने, मेरे को कहता है कि मैडम, बहन जी देख लेना, दीपेंद्र आपका बेटा है। मैं तो, बेटे तो सारे ही है, तू भी बेटा है। सही बात है, तूने हमारी क्या आदत तक रखी है। हाँ, तूने तूने तो इतनी भी तमीज नहीं है कि भाई इतने सीनियर है, कम से कम उनको और कुछ नहीं तो वैसा सम्मान दे दो मुंह से। हमको तुम्हारे कपड़े मांगते हैं, लत्ते मांगते हैं, क्या मांगते हैं भाई? मेरे लिए बात सुनो, मेरे पास तो विजेंद्र दलाल का आया नहीं है। हाँ नहीं नहीं आया मेरे पास। अच्छा, पद आप ये बताओ, हम आपसे पद भी नहीं मांगते, सम्मान ही तो मांग रहे हैं, और क्या मांग रहे हैं बताओ? वो भी नहीं दिया गया। आपने सही करा है, कहा है तो। मैं तो देखो, ऐसे नहीं होता, जो भी है जैसी भी है, पर भाई इतने उम्र से हम उसी के साथ हैं। जैसी भी है, कुछ भी नहीं, मैं, मेरे चोट लगी है, मैं मानती हूँ। और मेरे पास सारे जितने भी बीजेपी के आए हैं, कुछ तो मेरे लगते ही थे। सही बात, कांग्रेस से थोड़ी कोई आया मेरे पास। है तो मैं फिर बुरी, मतलब अपने आप, मेरी आत्मा ही नहीं मानेगी, कल को मेरी आत्मा का चोटेगी मुझे। सही है? बात है, तुम ये क्या किया। हाँ, मैंने तो कह दिया, मैं कहा देखो, जो भी है जैसे भी है, 15 साल से इसमें पड़े हैं, अब नहीं छोड़ते। हाँ, और मैंने कहा आज तेरे को कांग्रेस, आज तेरे को ये लगने लग गया, क्योंकि तू तो जा रहा है ना, तेरा पद तो जा रहा है, लेकिन तेरे को क्या पता और भी सम्मानित पद मिल जाए। सही बात है, जितने भी यहाँ पे
बने हैं, कुछ ना कुछ तो दिया ही है उनको अध्यक्षों को। सही बात है, बस एक वो राठी के साथ पता नहीं क्या किया इन लोगों, वो तो बीमार, वो बेचारा पता नहीं क्या हो गया ना, वो बीमार भी हो गया, उसके कोई बीमारी तो नहीं लग गई, वो बता बीमारी लगी है, कल बता रही थी मेरे को वो कि उसका ऑपरेशन भी हुआ है, तो अब तो बस बीमार ज्यादा ही है कुछ। और उसका तो मुंह बिल्कुल सूखा हुआ ना, वहाँ पे देखा था मैंने तो, बहादुरगढ़ में किसी की शादी में गए थे जब, उसमें तो पहचान में ही नहीं आया, पहचान में नहीं आता। हाँ हाँ ना, वो बता रहा कि क्या बीमारी है, नहीं फिर घर नहीं आया, घर नहीं आया आपके, घर नहीं आया ना, फोन पे कह दी निकम्मे ने, देख इसको कर फोन फोन कहाँ, कार्यालय में बैठे हुए थे ना, अच्छा वहाँ पे कई जने बैठे हुए थे तो, अच्छा वो सुनीता भी थी, कौन सी है सुनीता, धनखड़, धनखड़ तो नहीं थी ना, सुनीता चौहान ने भी वही देनी है ना, हाँ वही दे सारे वही दे रहे मरने दो, मैं तो देखो इतने दिन जैसे बच्चे घर में कोई खराब निकल आए उसको फेंक देते हैं क्या, नहीं है? नहीं नहीं देखो है ना, देखो बीजेपी में चलो कैसे भी है, एक हमारे माँ बाप की तरह बहन भाई की तरह रही है। अरे मैंने तो सच बताऊँ राज, मैंने तो उस टाइम देखा जब मेरे को होश भी नहीं है, है? एक बात सुनो, मेरी बेटी मतलब ने मुझे बताया कहते आपके बीजेपी वाले सारे बंदे बेर, फिर हम क्या लगते हैं, फिर एक बात सुनो, ये तो गद्दारी वाला काम कर रहा ना इसने, बजेंद्र दलाल ने गद्दारी वाला करा ना, इसने तो पहले भी गद्दारी वाला किया था, छोड़ के आया इसीलिए तो इसको पद मिल गया है? फिर ऐसे गद्दार बंदों के यहाँ ना मतलब यहाँ ना वैल्यू है, इनकी वैल्यू है चाहे कुछ भी कह दो आप। अच्छा नहीं नहीं छोड़ के आए, सबको इन्होंने बनाया है, कुछ सबको बनाया है, छोड़ के हमारे को नहीं बनाया इन्होंने, हाँ जो पड़े हुए हैं ना यहाँ पे उसको नहीं बनाया, उनको नहीं बनाया, और वो ईमानदार है। हाँ अभी आप एक देख लो, सुनीता चली गई थी ना कांग्रेस में, और फिर उसको बनाया, और वो आई तब आई जब वहाँ पे रिवाड़ी, रिवाड़ी में इसने सलूट मारा था मेरे को याद अभी तक, जब रिवाड़ी में मीटिंग थी तब इसने ज्वाइन की थी, फिर क्या मैंने कहा देखना है, और ये सुनीता चौहान भी वहीं दे रही है, हाँ वो ही दे, सुनीता चौहान दे रही है, और है ना ये विजेंद्र दलाल है, कई हैं, कई हाँ कई है ना, कई कई हैं, हाँ कई हैं, लेकिन मैं नहीं, अब इतनी उम्र में क्या करना है यार, उम्र भी तो हो गई है। हाँ सही बात है, हाँ नहीं फिर यही बात वहीं पे कही है ना, देख लो अब आप ही देख लो, ब्राह्मण वाणी है मीटिंग, आप देख लो ना मैडम चारों तरफ ब्राह्मण बिठा दिए, मैंने कहा तू तो ब्राह्मण नहीं है, फिर है फिर फिर कहता मैं तो इसी शर्त पे आया था कि भाई मेरे को कुछ पद दोगे तो मैं आता हूँ, तो इन्होंने कह दिया ठीक है दे देंगे तेरे को पद, नहीं नहीं आप बताओ पद पद इसको जिला अध्यक्ष बना रखा और क्या चाहिए, जिला अध्यक्ष इसने दुनिया भर का लूट के कमा लिया, लूट के कमा, देख लो अब आप अब भी आना कमा रहे, हाँ अब भी कमा रहा है, अब कौन सा ये पीछे, और फिर इसका इसकी तो वाह वाह हुई है, जहाँ हाँ। जाओ वहीं विजेंद्र जला सबसे आगे बैठता है, इसको क्या कमी है बताओ, हाँ पहले किराए पे कोठी थी, अब तो उसने मोल ले ली है वही सेक्टर में, वही ले ली जिसमें रहता था, हाँ आप बताओ फिर हमारे जैसे तो बेईमान नहीं निकले, नहीं ना 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 हम तो भैया क्या करेंगे ना, मनोज मनोज जांगड़ा भी है ना उसी में, मनोज ये जांगड़ा क्या है ये चीज, कल तुमने मीटिंग अटेंड करी थी शाम की, ना मैंने नहीं करी भाई, अच्छा मैं भी नहीं, मेरी भी गलती हो गई, मैं कहीं चली गई थी, नहीं तो मैं अटेंड जरूर करती, ना मैंने नहीं करी, बैग वैग पकड़ाए थे थैले वैले, अच्छा हाँ तो आपका भी तो बूथ में मेरे ख्याल में कहीं तो बैठोगे, आपका नहीं है बूथ में, मेरा तो है ना सुबह से शाम, तो कैसे बैठे हो वहाँ पे, है मैंने तो इसको बता दिया ये नांदल वांदल को, कहते मैडम जितनी देर बैठा जाए बैठे हो, बैठना 12-1 बजे तक तो बैठो फिर हम संभालेंगे, अच्छा तो ऐसे भाई बूथ की प्रमुख बना रखी कुछ तो करूंगी, है और 7 बजे वैसे जाना है, मेरा तो है भी इस तरफ ओल्ड भी का नहीं है, बात सुनो ये नांदल और ये भी तो विजेंद्र दलाल के बंदे हैं, लेकिन नांदल पक्का बीजेपी का ही है, अच्छा आप मानो, नहीं वो भाई लड़का ठीक है,
लड़का ठीक है लेकिन इसका भाई कांग्रेसी है, इतना बता दूं। लेकिन ये फिर भी इसके अंदर है, चाहे कुछ भी कहो, ये घर में रहते हैं, सब कुछ है, लेकिन ये कहता है कि मैं अपनी बीजेपी को नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो आज तक ये छोड़ देता। सही बात है, सही बात। हाँ, इसका भाई नहीं था क्या? मेरे को पता है। फिर अच्छा, मेरे को राजेंद्र दलाल ने कहा एक बार भी, मेरे को नहीं कहा राजेंद्र दलाल ने। अब किसी को बोलना मत राज, देख पागल हुआ तो। हाँ, ये जो जितने भी विकास नंदल के साथ है गंदे गंदे से लड़के, हाँ, ये सारे बीजेपी के नहीं है, ये बता दिया मैंने आपको। हाँ, ये बस विकास के ऊपर थोड़ा विश्वास है, क्योंकि विकास झूठ नहीं बोलता। अब ये नहीं पता भाई उसकी जो वाणी है किस तरीके की, बड़ा मीठा आदमी है, अंदर का नहीं पता है ना, वो भेद नहीं खुलने देता। सही कह रहे हो। हाँ, अगर कोई बात होती तो जरूर मेरे से शेयर करता, पर उसने अभी तक तो नहीं की। तो ये है कि अब वैसे कह तो रहे हैं, कल उसकी आपने देखी नहीं रैली, इधर तो इसकी रैली थी अपनी, पता है मेरे को उसकी रैली दीपेंद्र की, कहते उसको देख के तो घबरा गए सारे, रैली थी इतनी भीड़। खैर ये पैसे से भी ले आते हैं लोगों को, ले आते हैं। हाँ, इनका कुछ वो नहीं है। फिर अब आप क्या कर रहे हो, मैं क्या करूँ फिर? ना ना, नहीं नहीं, मैं तो अपनी कोई दूंगी, मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं मैं वही तो, मैं चेंज नहीं हो सकती ना, मैं नहीं चेंज हो सकती, हालांकि मेरे साथ कर तो बुरा ही रखा है। वही तो कह रहे हैं। हाँ, देखो घर में कोई बच्चा बुरा हो जाता हम कहाँ फेंक के आते ना भाई ना। पर लेकिन इन्होंने उस दिन नवीन भी कर रहा था, कहता था कि भाई मैं तो झंडा बेशक मैंने उसका लगा रखा है, पर मैं भी उसका ही दूंगा कांग्रेस को, वो भी कह रहा था। वो तो दोनों तरफ उसका वो है ना, उसकी जो बहन है, जो बहन नहीं है उसकी, जिसने वो खोल रखा है जिम, अच्छा वो कांग्रेस ही है ना सारे, उनके बैठता है ये जाके, क्या पता उन्होंने इसको सिखा दिया हो। हाँ, कुछ तो होगा। हाँ, वो तो पक्के कट्टर कांग्रेस ही है। नेहा आ गया है कुत्ता, वो देख। चलो है, चलो ठीक है, ओके। वही इस रिकॉर्डिंग के सामने आने से जब पार्टी कार्यकर्ताओं की परतें खुली तो कार्यकर्ता एक दूसरे को गाली देते तक नजर आए। प्रथम तहलका के लिए झज्जर से संजीत खन्ना की रिपोर्ट।